इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की गई थी जब इस मूवी का ट्रेलर आता है, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि घोड़ापाड़ निकली चुहिया या फिर चूहा। तो इस वीडियो में बात करेंगे गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के बारे में। तकरीबन इसकी जो लेंथ है वो 2.5 घंटे के आसपास है। मेन भूमिका में इसमें आपको नजर आने वाली है आलिया भट्ट, इसके अलावा अजय देवगन सर, विजय राज सर और भी काफी अच्छे कलाकार आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। अगर आप लोगों ने इस मूवी का ट्रेलर देखा है तो काफी अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं हूं ना बताने के लिए कि क्या कहानी होने वाली है। एक गंगा नाम की एक लड़की होती है जिसको प्रोस्टिट्यूशन के काम में धकेल दिया जाता है उसी के बॉयफ्रेंड के द्वारा। अब यहां पर ये जब ये इस धंधे में आती है अपने आप को इतना पावरफुल बनाती है, इसका नाम अब गंगूबाई पड़ गया है, और यहां सबकी एक लीडर बन के रह जाती है, मतलब बनती है। और आगे धीरे धीरे आगे चलते हैं तो इनके हक के लिए लड़ना स्टार्ट करती है। जितनी भी लेडीज यहां पर रह रही होती हैं जो वैश्यवृत्ति के अंदर लगी हुई होती हैं, तो इनके हक के लिए, इनकी बच्चियों की शिक्षा के लिए लड़ना स्टार्ट करती है कि हाँ भाई शिक्षा मिलनी चाहिए। तो बेसिकली देखो मुझे लगता है कि शिक्षा तो हर किसी को मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे समाज की जितनी बुराइयां हैं, कुरूतियां हैं, उनको दूर किया जा सकता है। तो शिक्षा बेशक हर किसी को मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस मूवी के अंदर जैसे आगे दिखाया जाते हैं कि लीगलाइज कर दिया जाए प्रोस्टिट्यूशन को, वैश्यवृत्ति को लीगलाइज कर देना चाहिए, जैसा इसके अंदर देखने को मिलता है, यहां पर लीगलाइज करने की बात की गई है, तो ये थोड़ी बहुत मुझे बचकानी चीजें लगी हैं। खैर अब बात करें इस मूवी के अंदर अच्छा क्या है। अच्छे में मुझे को इसमें विजुअल्स मुझे काफी अच्छे लगे। देखिए संजय लीला भंसाली जी की जो मूवीज होती हैं उसमें विजुअल्स तो भाई साहब चुम्बेश्वर लेवल के होते हैं, और ऐसा इस मूवी में देखने को मिलता है, बहुत सुंदर सुंदर है। इसके अलावा बस इतना ही अच्छा था, इससे ज्यादा अच्छा नहीं है। अब बात करें इसमें बुरा क्या है। बुरा तो यार भाई भर भर के है। एक तो इसकी स्टोरी, यार इसकी स्टोरी जैसे दिखाई जाती है उससे हम कहीं पर भी लिटरली मतलब 1% भी कनेक्ट नहीं होते। मतलब क्या लॉजिक बनता है उस चीज का, कहां शुरू करनी चाहिए थी, उसका सीक्वेंस कैसे चलाना है, कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं। इमोशनली जैसे इसके अंदर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भैया जो वैश्य जो हैं इस काम में लगे हुए हैं, वैश्यवृत्ति के अंदर जो औरतें लगी हुई हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक अत्याचार होता है, उनको भी एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, तो कहीं से भी वो एक इमोशनल एंगल इसमें जुड़ता ही नहीं है। हम किसी से भी नहीं जुड़ पाते इमोशनली, तो ये एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह सकता हूं। पर फिर इसमें जैसे एक सीन आता है जिसमें जो यहां पर काठियावाड़ होती है साथ में, जिसमें वैश्यवृत्ति चल रही होती है, इसी के साथ में एक स्कूल ओपन हो रहा होता है, तो ये चाहते हैं कि इस वैश्यवृत्ति को, ये जो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा है, इसको बंद कर दिया जाए। स्कूल वाले ये चाहते हैं क्योंकि इनका जो काम है या फिर इनके जैसे हरकतें हैं इसका गलत असर पड़ेगा बच्चों के ऊपर, डेफिनेटली बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। देखिए बच्चे जो होते हैं वो कोरा कागज ही होते हैं, उनको जैसा तुम दिखाओगे वैसा आगे चल के वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बच्चे के सामने आज चीखा जाएगा तो वो कल को चीखता हुआ ही मिलेगा आप लोगों को, या फिर उसके सामने अगर गाली दोगे तो आगे चल के गालियां ही देता मिलेगा, या उसको अच्छे संस्कार दिए जाएंगे वो आगे चलकर बहुत अच्छा व्यक्ति भी बनेगा। लेकिन यहां पर जैसे बातें की जा रही है, अरे अगर प्रोस्टिट्यूशन का गलत असर पड़ता है स्कूल के ऊपर तो स्कूल का क्यों नहीं असर पड़ता प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर, तो ये इलॉजिकल चीजें बिना सर पैर की बातें इसमें बोल जा यार कहीं से भी मुझे वो ढंग की नहीं लगती। थोड़ा बहुत सोच समझ कर लिख लिया करो, मुझे लगता है यार तुम हगते हुए मत लिखा करो, थोड़ा सा मतलब आराम से बैठो, कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठो, उनसे बात किया करो, भैया हमें थोड़ी बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए कि कैसे लिखना चाहिए, क्या रिप्रेजेंट करना है हमको, तो उनके साथ बैठो तो थोड़ी समझ में आएगी और वो चीजें लिखा करो। ऐसी ऐसी बातें लिखने का कोई लॉजिक बनता है, कोई सेंस बनता है, आप क्या बताना चाहते हो मतलब समाज को। फिर बात करते हैं इसके अंदर जैसे लीगलाइज करने की बात की गई है कि भैया जो वैश्यावृत्ति है इसको लीगलाइज कर दो क्योंकि इसको जरूरत है, और जैसे इसमें बात बोली जाती है कि ये बहुत भला करता है समाज का मतलब समझ में नहीं आ रहा था कौन से एंगल से तुम बात कर रहे हो यार, समाज का भला करते हैं, कमाल है यार, तुम्हें लीगलाइज करनी है इस चीज को, बहुत बहुत बढ़िया ख्याल है तुम्हारे। ये बॉलीवुड वाले सच में यार इनको कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए, क्या बताना चाहिए, थोड़ा पढ़ लिख लो यार, उसके हिसाब से काम किया करो, अच्छा लगता है यार समाज को, तुम अच्छे रास्ते पे लेके जाओ, ना कि ये लीगलाइज करने के पीछे तुम भागे हो यार, लीगलाइज करो। बेशक समान मतलब हर एक को इज्जत दी जानी चाहिए, रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, हक है उनका, सबको ये हक होता है, लेकिन इस काम को लीगलाइज कर देना ये सर पैर की बातें हैं, तो कहीं से भी ये मुझे लॉजिकल नहीं लगी, तो सच में मुझे बड़ा ही अटपटा लगा। और कह सकते हैं कि यार थोड़ी देर तक तो मुझे इसमें इंटरेस्ट था कि यार हाँ बहुत अच्छा मिलेगी इसमें, क्योंकि जैसे ट्रेलर मैंने देखा था मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी थी कि यार इसमें देखेंगे बहुत अच्छे से आराम से बैठ के देखने के, लेकिन थोड़ी देर बाद ये बोर करने लग जाती है, इवन बोर क्या इतनी ज्यादा पका देती है, इसको सहना मुश्किल हो जाता है।
परफॉर्मेंस में देखो विजयराज सर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, अजय देवगन सर की काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है, लेकिन जो गंगूबाई का जैसे करेक्टर है उसके अंदर कहीं सूट नहीं बैठती है आलिया भट्ट। एक्चुअल में मुझे कहीं पर भी अच्छा नहीं लगा जिस तरीके का उनका बोलने का जो स्टाइल इसके अंदर देखा है। नो डाउट कि उन्होंने मेहनत किया काफी अच्छी, लेकिन वो करेक्टर सूट नहीं बैठता उनके ऊपर, ऐसा मुझे लगा। शायद आप लोगों का अलग से लग सकते हैं, अपने मतलब राय अपनी विचार जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हाँ कुछ शायद गाली भी देने आ जाएंगे, अबे तुझे नहीं पता उसने मेहनत की थी, मैं कब मना कर रहा हूँ मेहनत नहीं की थी यार, मना की मतलब कि एक होता है ना कि किसी के ऊपर वो करेक्टर बैठता है किसी के ऊपर नहीं बैठता है। अगर आप इस मूवी को विजुअल्स के लिए देखना चाहते हैं तो भाई साहब आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। अगर आप इस मूवी को स्टोरी या किसी लॉजिकल सेंस में इसको देखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बोरी करेगी, इवन पका देगी, आप इसको गाली देते हुए नजर आओगे कि यार ये क्या दिखा रहे हो यार, पागल बनती यार, रुपए लगा दिए 2.5 घंटे ऊपर से वेस्ट करवा रहे हो तुम हमारे। मेरी तरफ से इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स के आधार पर 2 out of 10 भैया, 2 नंबर दूंगा आउट ऑफ 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी। मुझे पता है कि कुछ लोग आएंगे कि यार हमें तो बड़ी अच्छी थी, तुझे देखना नहीं आता, तुझे ये वगैरह वगैरह, जो ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखी तो ये वीडियो आप लोगों को समझ आई है तो आप अपने विवेक का अपनी बुद्धि का खुद यूज करिए और लगा लीजिए अपने पैसे। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।